के बाद बेड लाइट होता अरे आधा घंटा करके चलेंगे तो डेढ़ घंटा वहां पे विश्राम भी है होगा नहीं तो चलिए 20,000 रुपए की इनाम राशि तक एक जीप आपके यहाँ पर पहुंचाएगी करेंगे। तो फिलहाल देखा जाए दोनों ही टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण यह मैच होगा, काफी इंपोर्टेंट यह मैच है, किस तरह से मैच को जीते और इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल लिस्ट के रूप में कहा जाएंगे पहला पड़ाव का दूसरा मैच मौजूद लेकिन पहला पड़ाव लिया गया था लेकिन ये देखो नहीं और इसके बाद कहीं ना कहीं सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा ग्रुप बी मेहनत
हमारी किस्मत बनाई है तो कहीं ना कहीं आपको 20,000 तक का हाथ तो जरूर लगेगा। ये बात आपने सही कही तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, सही मायने में सही तालमेल में खेलना पड़ेगा। करने के बाद प्राइज कमाजा को नहीं कर सकते हैं। तीन टीम और इससे तीसरा हाई के ऊपर ये सब पड़े, तो ये देखना होगा कि कौन उस 20,000 रुपये को छू पाती है, वो देखना होगा। बिल्कुल मैच का शुरुआती चरण है, और एक अंदाजा लगाया जा सकता है जिस प्रकार से दोनों ही दलों के बीच मैच देखा जा रहा है कि किसी न किसी दल से जरूर गोल इस 2-4 मिनट के अंदर में जरूर आएगी। अमरदीप जी, तीनों मैदान के चारों तरफ नीचे जमीन पर कपड़े की पट्टी लगाई गई है। ये दर्शकों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस पट्टी को क्यों लगाया गया, ये डेकोरेशन के लिए भी है और आपके शक्ति के लिए भी। आप लोग जो कपड़े के पट्टी के अंदर आके बैठे हुए हैं ये थोड़ा सा गलत है। अभी हमारी नजर आप लोगों पर पड़ी है, ये पट्टी इसीलिए है कि आप लोग उस कपड़े की पट्टी से बाहर बैठ के मैच देखें। यहाँ लगाने लगने के साथ आपके ऊपर गिरेंगे, फिर आप बेवजह हाथ पर अपना करवा लेंगे, ठीक नहीं है। इसीलिए स्वच्छता से कपड़े के पट्टी से बाहर आप लोग अच्छा पीछे की ओर चले जाकर बैठ जाए, अंदर बैठे हुए हैं जो सोवाहीन लग रहा है। ये दौरान पट्टी को इस प्रकार से मोए हुए हैं कि पता नहीं कुछ वहां पे काम हो रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप वहां बैठ के भी बिल्कुल मैच का मजा ले रहे हैं। बच्चे कमेटी के मेंबर होने के नाते आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। हाँ मुन्ना चाची, मुन्ना चाची जो कि कमेटी के सदस्य हुए हैं, क्योंकि उसको भी वहां से बुलाना चाहिए जो सभा के अंदर बैठे हुए हैं। अब फिलहाल जैसे पदरा अच्छी कंट्रोल, लेकिन दशरथ मौजूद है, कैसे करने में सफल हुए थे, लेकिन कप्तान महोदय वहां पाप थे। और इससे पहले कि गेम सट्टा लगा सकते हैं, चलिए मैच शुरू हो चुकी है। इंटरवल के बाद बिना किसी स्कोर के अभी तक मैच यहाँ तक सफर तय किया है। फिलहाल 10 नंबर जर्सी मैच कैप्टन शत्रु माता खत्म यही होता हुआ। बट आज के जो रियल यानी कि
खिलाड़ी सरन जी विज्ञापन आ चुकी है हमारे मंच पर। चलिए कहा सत्ता वाले भाई अभी भी समय है, आप आके लगा सकते हैं माता की तरफ से 500 रुपया। तो एक विज्ञापन जजपी की तरफ से इस मंच पर पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। टीएसएमसी डिफेंसिव तरीका अपनाई हुई है टीमें महाकाल एफ सी। ये गत सीजन की दोस्तों विजेता टीम है, लेकिन यहाँ पर कनेक्शन कर रहे थे टीम यहाँ, लेकिन सामने बहादुर सोरेन जैसे गोलकीपर हो तो फिर इसके बावजूद कमाल का पंच वहां जाकर कमाल की टीम है आदित्य स्पोर्टिंग। देखना पड़ेगा आदित्य स्पोर्टिंग लेफ्ट फुट का फुट का इस्तेमाल और हेड द्वारा प्रगेम को निकालने में सफल होते हुए सेंटर क्षेत्र में और यहाँ से व्यापार का इस्तेमाल, लेकिन बॉल पोजिशन जीतने के बाद कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी मुस्कान जरूर आई है दर्शकों में, अब आएगा मजा। अब आएगा इस मैच का लुत्फ उठाने में मजा आएगा। इस माइक्रोफोन के लिए कि कहीं ना कहीं हम लोगों का जो टूर्नामेंट है, तो मैं कह देना चाहूंगा पीएसएमसी जजपी बड़ाबांधो की तरफ से 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट 14 एवं 15 दिसंबर 2024 को रखा गया है। जी आप बिल्कुल सही सुने, 14 एवं 15 दिसंबर। अगर बात करें समय की तो फिलहाल 2 महीना अभी बाकी है, वही 32 दलों की मांगे रखी गई है, यानी कि 32 टीम के मांग के लिए उपलब्ध रहेगी। फॉर्म की बात करें तो देवेंद्र नायक के नाम से है 7479637035। नाम नहीं लिखा इस माँ का।
इस मैच के बाद है बिल्कुल इंटरवल के बाद का ये मैच चल रहे हैं। अगला मैच आप दोनों के बीच मोहम्मदी डीपीएस डीबीसी फिर से अलग टीमों के साथ अलग आवाज के साथ नई उमंग के साथ नई सुभाव के साथ नई आशाओं के साथ कल मुलाकात होगी। जी राजेंद्र आपको क्या लगता है इसमें क्या होने वाला है कि महाकाल कार बनते बनवा सकते हैं सुनील सरदार का क्या क्वालिटी स्ट्रोक था यहाँ पर बहुत जबरदस्त स्ट्रोक थे किस प्रकार के अलग रणनीति बनाए और पूरे मैच में कहीं ना कहीं शाखा पूरी छा रहे अभी भी सुनील सरदार जो आते हैं यहाँ पे किस तरह से नकल कसा जाए और तो गोल कीपर काफी व्यस्त चांसेस बन रहे हैं कभी भी आ सकता बिल्कुल ये मानने वाले ऐसे नहीं है भाई। पिछले साल के विजेता